वेलकम टू रटो मत समझो। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का मतलब पता है तुम्हें? संधि क्या चीज़ होती है? संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। अब ये वर्ण क्या भला है? अब हम जानेंगे वर्ण क्या चीज़ होती है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा क से ज्ञ, अ से अनार। अब तो खैर तुम्हें याद नहीं होगा, है ना? नर्सरी में हमने पढ़ा था अ से अनार क से ज्ञ, अ से अनार आ से आम। ये पढ़े होंगे तुमने बचपन में, नहीं तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो नर्सरी में पढ़ते हो उनके साथ देखोगे तुम कि क्या होता है वर्ण। अब हम संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे मैंने तुम्हें बताया था वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों चीज़ें होती है। वर्ण व्यंजन जो होते हैं वो क से ज्ञ होते हैं और जो स्वर होते हैं वो अ से अह तक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में हम अ से लेके अह तक का यूज़ करेंगे। स्वर संधि पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दीर्घ और दूसरे होते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे स्वर। अब छोटे क्या बड़े क्या ये हम जाने। बड़े मतलब जिनमें मात्रा लगी हो, जैसे ह्रस्व स्वर क्या होता है अ होता है, छोटी ई होती है, छोटा उ होता है, छोटा ए होता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए। तो ये वाले चीज़ क्या कहलाती है दीर्घ स्वर। अब स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है वैसे, बट आज हम पढ़ेंगे केवल पहला दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, दीर्घ मतलब मैंने अभी बताया था बड़ा, दीर्घ संधि मतलब बड़ी। तो जब छोटे स्वर मिलके दो, जब छोटे स्वर मिलते हैं तो बड़ा स्वर बनता है। अब छोटे स्वर कौन सा, जैसे अ, और अ और अ मिल जाए तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा। अगर इस छोटे स्वर में बड़ा स्वर भी मिल जाए ना आ, तब भी उसका आंसर क्या होगा आ होगा, ठीक है। अब छोटी ई में, अगर छोटी ई मिक्स हो जाती है, छोटी ई में अगर छोटी ई मिक्स होती है तो बड़ी ई बन जाती है, और अगर छोटी ई में बड़ी ई मिक्स होती है तो भी बड़ी ई बन जाती है। अगर छोटा ऊ में छोटा ऊ मिक्स होता है तो भी क्या बन जाता है बड़ा ऊ, ठीक है। और बड़ा छोटा ऊ में अगर बड़ा ऊ भी मिक्स होगा तो भी क्या बन जाएगा बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। अब देखो री ऋषि में री ऋषि प्लस हो जाता है तो डबल री ऋषि बन जाएगा। कैसे लिखोगे डबल री ऋषि, दो बार आपको ऐसे कर देना है तो ये री ऋषि बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल इस दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था अ प्लस आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा। अब पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय तो क्या बन जाएगा ये पुस्तकालय। अब देखो कैसे बना पुस्तकालय या? इसमें लास्ट वर्ड क्या है क, क को प्रोनाउंस करो अ की साउंड आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ, तो अ और आ मिलके क्या बन गया आ। तो अब हमें इस क में क्या लगा लेना है आ लगा देना, आ की मात्रा लगा देनी है, पुस्तकालय। अब हम करेंगे जैसे विद्या प्लस आलय तो क्या बन जाएगा विद्यालय। अब देखो ये कैसे हुआ विद्या। अब इसमें भी क्या है हमारे पास आ, देखो आ की मात्रा लगी हुई है ना, तो आ है और ये तो आ है ही, और जब आ और आ मिलते हैं तो भी क्या बन जाता है आ। तो इसीलिए हमने विद्या को विद्यालय लिखा, आ की मात्रा ऑलरेडी लगी हुई थी फिर भी हमने
यहाँ पर आपकी मात्रा लगी हुई रहेगी, तो आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई। मैंने बताया था छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। अब देखो कैसे, र प्रति प्लस इक्षा, तो क्या बन जाएगा, प्रतीक्षा। और मात्रा कौन सी लगेगी, बड़ी ई की। क्यों, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई मिलके छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई ही बनेगी। देखो यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन जाती है, बड़ी ई बन जाती है। अब छोटी ई और छोटी ई मिलके वो भी क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। जैसे रवि, रवि व में कौन सी मात्रा लगी हुई है, व में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की। ठीक है, अब रवि के साथ अगर हम इंद्र जोड़े, ठीक है, तो ई भी कौन सा ई है, छोटी ई का। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो बड़ी ई लग जाएगी, रविंद्र। अब हम पढ़ेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। देखो छोटा ऊ और अगर बड़ा ऊ मिल जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। अगर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बने मिल जाए तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और अगर बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ ही हो तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बनेगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल दे लेंगे, जैसे साधु प्लस उक्ति। साधु, साधु में देखो कौन सी उक्ति मात्रा है, छोटा उ की, और उक्ति, उक्ति में भी कौन सा है, छोटा उ है। तो छोटा उ और छोटा उ मिलके भी क्या बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साधुक्ति, साधुक्ति। हमने कौन सा उ यूज किया, बड़ा उ यूज किया। अगर हम लघु प्लस उर्मी, ये तुम्हारे को संस्कृत में भी काम आएंगे, हिंदी में भी काम आएंगे। लघु प्लस उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा, लघु उर्मी। देखो यहाँ पर छोटा ऊ यहाँ बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो हम लघु में कौन सी मात्रा लगा लेंगे, बड़ा ऊ की। री ऋषि की एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मैंने तुम्हें बताया था री ऋषि के साथ अगर री ऋषि ज्वाइन होता है तो क्या बन जाता है, डबल वाला री ऋषि। सिर्फ तुम्हें यहाँ पे नीचे वाले को डबल कर देना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, मात्र प्लस ऋणम, तो क्या बन जाएगा, मातृ। ये त्र को तुम्हें क्या कर देना है, डबल कर देना है, डबल करके और फिर ण ज्वाइन कर देना है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, दात्र प्लस रिद्धि। तो क्या बन जाएगा, दात्रधी। अब ये री ऋषि नहीं लिख के हम यहाँ पे एक री ऋषि और ज्वाइन कर लेंगे, दात्र डबल कर दिया और फिर रिद्धि धी लगा देंगे। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ी संधि होती है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो छोटे स्वर मिलके बड़े स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं।